नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड देते हैं, मतलब हाई डिविडेंड देते हैं। आपको हाई डिविडेंड यील्ड देखने मिलेगा, साथ ही साथ इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा, मतलब आगे जा कर के आपको अच्छे रिटर्न भी देंगे, साथ साथ आपको अच्छे डिविडेंड भी पे करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में सिर्फ ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको जब आप उसको सेल करेंगे तब जा कर के आपको उसमें रिटर्न मिलेगा, मतलब उसे में रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको उस स्टॉक को सेल करना पड़ेगा, मतलब वो स्टॉक आपको बेच देना पड़ेगा, मतलब आप उसमें इन्वेस्ट नहीं रह सकते हैं, तब जाके आप रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन जिस स्टॉक में डिविडेंड भी अच्छा हो और ग्रोथ भी अच्छा हो तो वो आपको बिना सेल के आपको उसमें अपना जो है रिटर्न मिलते रहेगा। तो ये होता है अच्छे डिविडेंड और अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक की जो क्वालिटी है। तो जो अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक हैं साथ साथ डिविडेंड भी पे करते हैं और जिसमें आगे अच्छे ग्रोथ भी हो, तो ऐसे स्टॉक हर कोई खोजते हैं। तो आज हम आपके लिए 10 ऐसे स्टॉक लाए हैं जो आपको अच्छा ग्रोथ भी देगा, मतलब एक मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है, साथ ही साथ आपको अच्छे डिविडेंड भी पे करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल के बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल पर जाइए, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को देखिए और शेयर मार्केट को सीखिए पूरी तरह से, बेसिक से अभी आपको सीखने मिलेगा। आगे भी हम आपके लिए म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ लाएंगे जो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो हमारी जो भी वीडियो है वो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो सीखने में आपको बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए पहले शेयर पर चलते हैं। पहला शेयर आपका जाना माना शेयर है हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड। दोस्तों, टू व्हीलर की लीडिंग कंपनी है ये इंडिया की, और आप इस कंपनी का इम्पोर्टेंस तो जानते ही हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, टू व्हीलर की लीडिंग कंपनी है। तो ये शेयर जो है आपको देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 5.14%, इसका देख सकते हैं आपको डिविडेंड यील्ड कितना है, 5.14% का डिविडेंड यील्ड है। बहुत ही हाई डिविडेंड देती है, मतलब आपको 100 रुपीज़ में 5 रुपीज़ आपको प्रति साल, मतलब हर साल आपको डिविडेंड के रूप में ये कंपनी पे करती है। तो देख सकते हैं कि एक तो डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न मिल गया, दूसरे इस कंपनी में आगे आपको अच्छे ग्रोथ देखने मिलेंगे, क्योंकि जो ये सेक्टर है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये 2 साल से परफॉर्म नहीं किया है, और अभी आपको जो स्टॉक्स मिल रहे हैं वो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, इसलिए आपको इसमें ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा शेयर है, और इस शेयर का आप चार्ट देख लीजिए, पिछले मतलब जो समय है बीते समय में कैसा रिटर्न दिया है, तो देख सकते हैं। ये कभी स्टॉक हुआ करता था किसी ने का 4000 का, अभी आप देख सकते हैं इसमें लगातार गिरावट है, क्योंकि 2 साल से हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो परफॉर्म नहीं किया, और अभी आप देख सकते हैं ये कितना है प्राइस 1886 रुपीज़ का, और 52 वीक लो, मतलब अभी तक का लो कहें साल का तो वो बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पर 1475 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, और जो अभी है 52 वीक लो के से थोड़ा सा ही ऊपर है, देख सकते हैं यहाँ पर 1475 रुपीज़, और 52 वीक हाई जो है वो 3000 है। तो अच्छे डिस्काउंट पे स्टॉक्स आपको मिल रहा है, और ये स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ साथ ज़बरदस्त मतलब डिविडेंड भी देखने मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड होता है इसके करंट मार्केट प्राइस पर, मतलब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है उसका ये 5% जो है डिविडेंड देता है प्रति वर्ष, मतलब हर साल। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है हमारा हीरो मोटर कॉर्प, इंडिया की टू व्हीलर की लीडिंग कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड एंड आल्सो इंडिया वेयर इट हैज़ ए मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 46% अकेले मार्केट शेयर रखता है टू व्हीलर का। चलते हैं अब दूसरे शेयर पर। दूसरा शेयर है हमारा महानगर गैस। दोस्तों, महानगर गैस भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, देख सकते हैं ये हमारा महानगर गैस अभी जो करंट मार्केट प्राइस है इसका वो है 943 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस है हमारा महानगर गैस का, और इसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 2.12%। जिसका डिविडेंड यील्ड 1% हो वो कंपनी बेहतर होता है, ये तो हमारा डिविडेंड यील्ड जो है 2.12% है, मतलब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है इसका 2.12% जो है डिविडेंड देती है।
डिविडेंड प्रतिशत और डिविडेंड यील्ड दोनों डिफरेंट होता है। डिविडेंड के बारे में बता दें, जो डिविडेंड प्रतिशत होता है वो फेस वैल्यू पे दी जाती है। किसी कंपनी का फेस वैल्यू अधिकतम 10 होती है, किसी का फेस वैल्यू 5 होती है, किसी का फेस वैल्यू 2 होता है, तो किसी का फेस वैल्यू 1 होता है। तो ये फेस वैल्यू पर डिविडेंड दी जाती है। डिविडेंड यील्ड दी जाती है किस पे, जो मार्केट प्राइस है उस पे। फेस वैल्यू पर दी जाती है डिविडेंड, तो जो डिविडेंड प्रतिशत देखेगा ये फेस वैल्यू है। जैसे कोई हमारा 100% डिविडेंड दिया, 100% डिविडेंड का मतलब होता है कि वो अपने फेस वैल्यू का 100%। अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो वो 10 रुपीज डिविडेंड देता है। अगर 5 रुपीज फेस वैल्यू है तो 100% डिविडेंड दिया तो कितना हुआ, 5 रुपीज। अगर फेस वैल्यू 2 है तो उसका 100% हो गया 2 रुपीज। अगर फेस वैल्यू 1 है तो उसका डिविडेंड प्रतिशत 100 है तो 1 रुपीज डिविडेंड हो गया। लेकिन जो डिविडेंड यील्ड होता है इसका रिलेशन होता है डायरेक्ट इसके मार्केट प्राइस से। इससे रिलेशन है हमारा डिविडेंड यील्ड का। ये जो डिविडेंड देख सकते हैं 2.12%, तो ये हो गया इसका 2.2% निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, 2.12% का क्या हो जाता है हमारा नीचे 100। ये सिंपल मैथमेटिक्स है क्लास 8 का, तो इसका आप लगा सकते हैं कहीं पे भी। तो डिविडेंड इसका आप निकाल दीजिए, यहाँ से देखिए 100 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 9.43, उससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 18 हो गया 19, ये फिर 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 20। मतलब ये 20 रुपीज़ डिविडेंड देता है आपको हर साल, 20 रुपीज़ का डिविडेंड। तो समझ सकते हैं 20 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल गया हर साल एक शेयर पर। अब 100 शेयर आप खरीदते हैं 2000 रुपीज़ हर साल आपको रिटर्न मिल गया। तो ये होता है अच्छे डिविडेंड का। साथ ही साथ अब जो हमारा जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इस पर आपको अच्छे रिटर्न आओ, ये महानगर गैस है हमारा, तो जैसे हमारे ये सेक्टर जो परफॉर्म करता है अच्छा, तो वैसे ही आपको जो है अच्छे ये ग्रोथ भी देखने मिलेगा। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद का प्राइस बढ़ता है तो लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, गैस की और झुकाव बढ़ेंगे, तो वैसे ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न देंगे। तो जैसे जैसे आप तो जान ही रहे अभी हमारा कोरोना का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जैसे ख़त्म होता है तो ये हमारा जो है स्टॉक्स बहुत ही तेज़ ग्रोथ देखने मिलेगा, क्योंकि जो गैस है उसका डिमांड लगातार मार्केट में बना रहता है, लगातार बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब हम बात कर लेते हैं किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए। चलिए तो देख सकते हैं ये अपने 52 वीक हाई जो है हमारा वो है 1246 रुपीज़। उससे अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा और करेक्शन का आप इंतज़ार करें इसमें, या यहाँ पर जो आया था देख सकते हैं 792 रुपीज़, यहाँ पर आप बाय कर सकते थे इसे यहाँ पर। तो जैसे थोड़ा सा और करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा 23 मार्च को है, 23 मार्च का जो प्राइस था उस पर अगर आपको मिलता है फिर से तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन होने दें, अभी मार्केट में बहुत सारी सिचुएशन आने बाकी है, तो जैसे करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए ये पहले भी अपना प्राइस बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, फिर यहाँ से लो आया, फिर यहाँ से यहाँ पर देखिए अपने 52 वीक हाई यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया, फिर ये अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। अगर मैक्सिमम ईयर में देखते हैं तो देख सकते हैं मैक्सिमम में भी ये चार्ट है, ये नया लिस्टिंग है 2017 का लिस्टिंग है। तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना फंडामेंटल रिसर्च अवश्य करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। टाटा ग्रुप का जो सबसे बेस्ट शेयर है उसमें से एक है हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। दोस्तों इस शेयर को कौन नहीं जानता, ये हमारी निफ्टी 50 की लीडिंग शेयर है, मतलब निफ्टी 50 के टॉप रैंक्ड शेयर है। तो इस स्टॉक में तो इन्वेस्ट बनता ही है, साथ साथ इसका डिविडेंड यील्ड आप देख लीजिए, डिविडेंड यील्ड देखिएगा 1.52%। जब 1% डिविडेंड यील्ड हो तो उसे बेहतर मानते हैं हम, तो यहाँ तो डिविडेंड यील्ड हमारा कितना है 1.52%, तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और इसका 1.52% निकाल दिए, इतना डिविडेंड देती है आपको ये हर साल। साथ ही साथ इसमें आपको अच्छे ग्रोथ देखने मिलेंगे आगे जो आपको इसमें अच्छा ग्रोथ देखने मिलेंगे। तो साथ ही साथ ग्रोथ भी है इसमें, और इसमें आपको डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं। आपको हम चार्ट दिखा देते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक कैसा रिटर्न दिया है, तो देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म 5 साल के, आप मैक्सिमम ईयर करते हैं देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है चार्ट, देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में, तो लगातार ये अच्छा ग्रोथ देते रहा, देख सकते हैं इस तरह से आप मिलाइए, देखिए लगातार अप ट्रेंड चार्ट है। ये अभी जो हमारा पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को छोड़ दें तो अभी ये शेयर यहाँ पर रहता है, ये इस पॉइंट पर इस तरह से देखिए, एक देखिए कितना शार्प हमारा ये
इसमें तेज़ी आया है, कितना शार्प तेज़ी है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा डिविडेंड भी प्राप्त कर सकते हैं रिटर्न के रूप में और ग्रोथ के रूप में भी। तो हम अच्छे डिविडेंड और अच्छे रिटर्न दोनों को एक साथ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे सिर्फ ग्रोथ वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न के लिए उस स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो क्या होंगे, आप उस स्टॉक से बाहर आ जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट उसमें जीरो हो जाएगा। तो ये है रिटर्न अच्छे सिर्फ ग्रोथ वाले में। लेकिन अगर ग्रोथ और डिविडेंड दोनों एक साथ मिल रहा हो तो हम वैसे ही कंपनियों को क्यों ना चूज करें। तो TCS हमारा उसमें से बेस्ट कंपनी है। जब TCS आता हो तो वहाँ पर हमारा जो इसका साथी है इन्फोसिस ज़रूर आती है। तो इन्फोसिस भी वो स्टॉक है जो कि अच्छे डिविडेंड के साथ साथ अच्छे रिटर्न मतलब अच्छे ग्रोथ देते हैं। तो चाहिए देख लेते हैं इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, देख लीजिए 2.88%, देख लीजिए 2.88% इसका डिविडेंड यील्ड है। तो इसका 2.88% निकाल दीजिए करेंट मार्केट प्राइस का, उतना रुपीज ये आपको डिविडेंड के रूप में देती है। साथ ही साथ इन्फोसिस में आपको अच्छे रिटर्न अच्छे ग्रोथ दोनों देखने मिलेंगे। आगे चल करके आप इसमें अच्छे ग्रोथ की आशा कर सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस लगातार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा ग्रोथ दिया है। देख सकते हैं आप इसका चार्ट, एक लॉन्ग टर्म में देखिए इसका चार्ट किस तरह से लगातार अप ट्रेंड में रहा है। यहाँ से देखिए चार्ट को मिलाते हैं, देख लीजिए किस तरह से लगातार अप ट्रेंड में ये चार्ट रहा है। तो थोड़ी सी बीच बीच में करेक्शन यूँ ही आती रहती है, तो जैसे आप इस करेक्शन में यहाँ पर आया है तो अभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न देगा। और डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही बेहतरीन है ही। तो जो इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, आपको महानगर गैस हो गया, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, इन सब स्टॉक्स को मैंने बता दिया। तो अभी ये लगातार डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, अगर आप जैसे ये 600 से नीचे आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये पैंडमिक सिचुएशन खत्म होता है आपको ये बहुत ही बहुत बेहतर रिटर्न देंगे। चलिए फटाफट हम और सारे स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। तो अगला स्टॉक से हमारा मैरिको FMCG सेक्टर। अभी सारे लोग जो भरोसा किए हुए हैं किस पे, FMCG सेक्टर पे। FMCG सेक्टर अभी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देख सकते हैं ये लगातार मतलब एक निश्चित कांस्टेंट रेट से लगातार आगे बढ़ता रहेगा जो FMCG सेक्टर है। अभी देख सकते हैं इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, 2.98%, मतलब 3% का डिविडेंड यील्ड है। और ये इसका प्राइस अभी देख रहे हैं थोड़ा अप हो चुका है, इसलिए इसका डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, नहीं तो डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेहतरीन था। इसका आप 3% निकाल दीजिए, उतना रुपीज ये डिविडेंड के रूप में आपको पे करती है। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में क्या अंतर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिविडेंड दी जाती है फेस वैल्यू पर, और जो डिविडेंड यील्ड है ये होता है किसका, करेंट मार्केट प्राइस का। करेंट मार्केट प्राइस का इतना परसेंट आपको डिविडेंड के रूप में पे की जाती है, ये होता है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में आपको डिफरेंस याद रखना है। तो जो मेरिको हो गया, इसका आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितने प्राइस पे करना है, चलिए ये देख लेते हैं हम अपने चार्ट पे। तो यहाँ देख सकते हैं 2016 और मैक्सिमम ईयर में चलते हैं, देखते हैं कितना गजब का रिटर्न है। मैक्सिमम ईयर में देखिए कितना मैरिको जो है कितना गजब का रिटर्न दिया है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैरिको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पहले 393 रुपीज़ तक गया है, या यहाँ से मैक्सिमम देख सकते हैं 400 रुपीज़ तक ये मैक्सिमम गया है, 404 रुपीज़, और अभी आपको मिल रहा है 309 रुपीज़। और इसमें जैसे थोड़ा करेक्शन होता है, जैसे 250 के आसपास आ जाता है, 250 के आसपास उससे नीचे, तो आप इसमें और अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक SIP मोड में करें, एक शेयर बाय किए, दो बाय किए, मतलब SIP मोड में जैसे होता है। तो इसमें छोटे छोटे क्वांटिटी आप बाय करें जैसे जैसे करेक्शन आता है, और डिविडेंड यील्ड तो बहुत बेहतर है ही। तो ये स्टॉक हो गया हमारा। अब चलते हैं अगला स्टॉक, FMCG सेक्टर का दूसरा स्टॉक, जो कि जिसमें ग्रोथ के साथ साथ आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। तो जो ग्रोथ के साथ साथ अच्छा डिविडेंड पे करती है उसमें FMCG सेक्टर से दूसरा स्टॉक है ITC। करेंट प्राइस है 182 रुपीज़, देख सकते हैं 182 रुपीज़, और ये स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है, देख सकते हैं 3.15% का। तो इतना परसेंट निकाल दीजिए करेंट मार्केट प्राइस का, इतना रुपीज़ ये डिविडेंड पे करती है। साथ साथ ये शेयर आपको अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई कितना है, 310 रुपीज़, और इसका जो 52 वीक लो है 134 रुपीज़। अगर यहाँ पर कोई लिया होता तो अभी आपको उसको देख सकते हैं ऑलरेडी 50% का रिटर्न मिल गया होता।
तो ये जो ITC स्टॉक्स है ये पहले सीक्रेट में सिर्फ हुआ करता था, सिर्फ ये सीक्रेट बनाने काम करती थी। अभी आप इसे देखेंगे तो ये रिटेल सेक्टर, FMCG सेक्टर, हर सेक्टर में आ चुका है। रिटेल में आप देख सकते होंगे जो ITC का क्लासमेट की कॉपियाँ होती, नोटबुक मिलते हैं, कितने आप पॉपुलर हैं वो आप जान सकते हैं। क्लासमेट की जो कॉपी मिलती है वो ITC का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद FMCG सेक्टर में लगातार प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। जैसे FMCG सेक्टर का ये बन जाता है कंपनी, तो इसमें एक तेज़ मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतर स्टॉक्स है, तो ये स्टॉक्स बहुत ही पुराना भी है, तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। ये लगातार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, ये आपके शेयर को बोनस दे करके भी कई टाइम्स कर देता है। बोनस एक मैजिक है जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई टाइम्स बना देता है। अब अगला चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर जो हमारा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही अच्छी कंपनी है। दे यहाँ पर कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स इन महाराष्ट्र एस्टेब्लिश इतना महिंद्रा महिंद्रा यहाँ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, इसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं आप कितना है, 2.51% का डिविडेंड यील्ड है। आप करेंट मार्केट प्राइस का 2.51% निकाल दीजिए, 338 रुपीज़ का इतना डिविडेंड देती है। और इस ये अभी बहुत ही डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। आप इसका 52 वीक हाई देख लीजिए कितना है, 685 रुपीज़, और 52 वीक लो कितना बना है, 245 रुपीज़। तो आप इसमें जो है जैसे थोड़ा सा और करेक्शन आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, 250 के आसपास आता है तो बहुत ही बेस्ट होगा उस प्राइस पे। तो अगला स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है हमारा टाटा स्टील, टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है, साथ साथ इसमें आगे अच्छे ग्रोथ की संभावना है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी जो हमारा स्टील सेक्टर है बहुत दिन से अंडर परफॉर्म है, तो जैसे इसमें करेक्शन आता है तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। साथ ही साथ ये स्टॉक्स अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। आप देख सकते हैं इसका डिविडेंड परसेंट 4.89%, मतलब 5% के अप्रॉक्स इसका डिविडेंड यील्ड है। इसका 5% निकाल दीजिए करेंट मार्केट प्राइस का, इतना डिविडेंड पे करती है। और साथ ही साथ ये बहुत दिन से ये सेक्टर अंडर परफॉर्म है, तो जैसे ये सेक्टर फिर से वापस रिकवर करता है ये सेक्टर, तो ये स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न भी देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत दिन से ये अंडर परफॉर्म है ये सेक्टर, इसका 52 वीक हाई थी, ऑल टाइम्स का हाई देख सकते हैं 800 के आसपास है। तो बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है आगे। अगले स्टॉक से चलते हैं। अगला स्टॉक फिर से हमारा आईटी सेक्टर से है। आईटी सेक्टर से हमने ऑलरेडी दो कंपनियां ले चुका है, TCS और इन्फोसिस। उसी में तीसरा स्टॉक्स भी आता है जिसमें आपको अच्छे ग्रोथ के साथ साथ अच्छे डिविडेंड आपको देखने मिल सकते हैं, वो है हमारा SCL टेक्नोलॉजी। तो SCL टेक्नोलॉजी देख सकते हैं 1.10% का डिविडेंड यील्ड है। 1.10% का डिविडेंड यील्ड के साथ ये कंपनी अभी हमारी लिस्ट में है, तो इसका मार्केट प्राइस का 1.10% निकाल दीजिए, इतना डिविडेंड देती है ये कंपनियां। साथ साथ इसमें हाई ग्रोथ की आगे संभावना भी है। तो जैसे ये 400 के नीचे या 400 के आसपास मिलती है, इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है IT सेक्टर का ये भी। अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं तो प्रीफर आप इन्फोसिस और TCS को ही कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स भी अच्छा है। अगला स्टॉक्स पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा 10वां स्टॉक्स है वो है वेदांता। दोस्तों वेदांता डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए 7.52% ये स्टॉक्स डिविडेंड यील्ड में बहुत ही बहुत ज़बरदस्त है। इस साल आपको कुछ कम देखने मिल रहा है, अगले साल मतलब पिछले साल इसका डिविडेंड यील्ड और भी बेहतर। इस स्टॉक्स में मैंने भी अपना डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, इस स्टॉक में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है जो थोड़ा हायर प्राइस पे है। जैसे अभी करेक्शन आया तो अभी आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि अभी जो इसका कोर्ट में चल रहा है एक मतलब प्लांट खोलने का, अगर वो खुल जाता है तो ये स्टॉक फिर आपको बहुत ही हाई प्राइस पर देखने मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैप ना हो, इसमें थोड़ा आप अपना रिसर्च कर लेंगे, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेंगे, और इसमें और करेक्शन आपको देखने मिल सकता है और लोअर प्राइस पे हो तो ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें आप ट्रैप ही हो सकते हैं। क्योंकि मेटल सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म है, आगे आने वाले समय में मेटल सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, तो आप अपना रिसर्च खुद करें, क्योंकि आगे मेटल सेक्टर परफॉर्म करेगा तभी ये स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। हो सकता है ये स्टॉक्स आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न भी आगे चल करके दे, तो ये आप रिसर्च ज़रूर करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेंगे। तो ये स्टॉक्स आप देख लेते हैं, 52 वीक लो कितना है, 60 रुपीज़ है। तो अभी आप 52 वीक लो के करीब ही देख सकते हैं, और 52 वीक हाई देख सकते हैं 180 रुपीज़। तो जैसे ये आपको
रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, तो इसी तरह आप अपना रिसर्च भी कर लें और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छे डिविडेंड भी देंगे, अच्छे रिटर्न भी देंगे। तो ये था हमारा 10वां स्टॉक्स। इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर अपने ग्रुप में ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा इसी तरह के वीडियो, ताकि आगे भी आप देखते रहें।